हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर गन के साथ पानी में से निकल रहे होते हैं। एक सोल्जर को भी दिखाया जाता है, उसका नाम जॉन रहता है और वो अपने टीम के साथ आगे बढ़ता है। और फिर एक लेडी को दिखाया जाता है, उसका नाम कैरन रहता है और वो एक आदमी से बात करती है, उसका नाम रॉबर्ट रहता है। और बाकी टीम मेट भी उसे पूछते रहते हैं कुछ सवाल। और फिर दिखाया जाता है वो लोग रात में निकलते हैं कहीं और टीम के साथ गन फायरिंग करते हुए वो अंदर जाते हैं। और फिर एक रूम में वो इंटर होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये रशियन एक्स मिलिट्री रहती है, सीरियन आर्मी नहीं। और फिर जॉन बोलता है रॉबर्ट से, तुमने ये कहा था सीरियन आर्मी है रशियन नहीं। तब रॉबर्ट कहता है, मुझे तो कहीं रशियन आर्मी नहीं दिख रही। इसके बाद वो जैसे रूम से बाहर आते हैं उन पे आरपीजी से फायरिंग होती है, पर वो आरपीजी फ्लोर में लगने के कारण वहाँ होल हो जाता है और कुछ टीममेट उसमें गिर जाते हैं। और फिर वहाँ भी लोग रहने के कारण फायरिंग स्टार्ट रहती है। जॉन भी उसमें कूदता है और गन फायरिंग होता है दोनों तरफ से। उसके बाद जॉन और अदर सोल्जर में फाइट होती है और वो उसके बाद बाहर आके हेलीकॉप्टर में बैठ के चल देते हैं। उसके बाद वाशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है। जॉन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती है। दूसरी तरफ जॉन के एक टीममेट को भी दिखाया जाता है, उसका नाम किंग रहता है। वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसे गार्बेज बाहर डालने को कहती है और वो जाता है। वैसे ही उस पे एक वैन आके टक्कर मारने के बाद वो वैन वहां से चली जाती है। फिर जॉन के एक टीममेट को दिखाया जाता है केट, वो ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ रहता है। तभी वही गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं, उसके गाड़ी पे गोली चलाने लगते हैं और वो भी वही मर जाता है। फिर दिखाया जाता है जॉन अपनी वाइफ को गुड नाइट बोलकर बाहर सोफे पे लेटा हुआ होता है हेडफोन लगा के। वैसे ही उसके घर की लाइट चली जाती है और कुछ लोग को घर में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही जॉन को डोर खोलने की आवाज आती है और वो उठकर गन लेता है और आगे बढ़ता है। उधर वो लोग जब तक जॉन के वाइफ के पास जाके उसे मार देते हैं और जॉन भी उन्हें देखते हुए बढ़ता है और मारता है। जब वो अपनी वाइफ के रूम के बाहर पहुँचता है तब उसका सामना एक आदमी से होता है। दोनों में गन फायरिंग होती है, एक दूसरे को गोली मारते और पड़ जाते हैं, पर वो आदमी भाग जाता है। तब जॉन अपनी वाइफ के रूम में जाकर देखता है, उसे मर्डर देख रोने लगता है और गोली लगने के कारण बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। मिलिट्री के लोग मीटिंग करते रहते हैं, रॉबर्ट और कैरन भी रहते हैं। मीटिंग के बाद कैरन और रॉबर्ट में थोड़ी बहस होती है और फिर दिखाया जाता है जॉन को होश आता है, कैरन भी वहां रहती है। जॉन होश में आता है, अपने वाइफ और बेबी के बारे में पूछता है और कैरन की खामोशी सब बोल देती है। फिर जॉन बोलता है, बस एक नाम बता दो, पर कैरन कहती है अगर पता होता फिर भी नहीं बता पाती। उसके बाद कैरन और एक आदमी को बात करते हुए दिखाया जाता है, उसका नाम सेक्रेटरी क्ले रहता है। फिर जॉन को फिट एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है और फिर कैरन रॉबर्ट और सेक्रेटरी क्ले को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ अटैक के बारे में बात करते हुए रहते हैं। तभी कैरन को पता चलता है एक आदमी के बारे में, उसका नाम एंड्रयू रहता है और कैरन ये बात जाके जॉन को बताती है। उसके बाद जॉन को दिखाया जाता है वो अपने उसी घर में जाता है और अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है। रोने के बाद वो अपने घर में से गन और कुछ पैसे निकलता है जो उसने चुपके से रखे थे और गन हाथ में रखकर अपनी वाइफ के मर्डर को मारने के बारे में सोच रहा होता है। और फिर जॉन उठता है और उस आदमी के पीछे जाता है, वहाँ उसके बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। जॉन एक शराबी के तरह जाता है पर उसे वो लोग घुसने नहीं देते हैं। तब जॉन देखता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, तब
जॉन भी वहां से जाके अपने गाड़ी में बैठता है और उस आदमी का पीछा करता है और पहले उस आदमी के बॉडीगार्ड को जॉन पुलिस को कॉल करके फंसा देता है। और जब वो आदमी की गाड़ी अकेला हो जाता है तब जॉन उस आदमी के गाड़ी को टक्कर मारकर उसके गाड़ी पे पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और उसकी गाड़ी खोलकर उसके साथ जाके बैठ जाता है जलती हुई गाड़ी में और फिर अपने वाइफ के किलर के बारे में पूछता है। पर वो आदमी पहले नहीं बताता है, तब उसे एक गोली जॉन मारता है, तब वो बताता है और जॉन जैसे ही गाड़ी से निकलता है पुलिस उसे घेर कर खड़ी रहती है और वो सरेंडर कर देता है। उसके बाद जॉन को कैरन के साथ दिखाया जाता है, कैरन उसे बात करते रहती है और जॉन उसे बोल रहा होता है मुझे यहाँ से निकालो तब मैं बताऊंगा, और फिर वो लोग उसे ले जाके लॉक कर देते हैं। उसके बाद जॉन को दीवार से लग के खड़े होने के लिए कहा जाता है पर जॉन बोलता है जब तक मुझे नहीं बताया जाएगा मैं कहाँ जाऊंगा तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तब ऑफिसर चला जाता है और दिखाया जाता है जॉन पानी से अपने शरीर को भिगा रहा होता है और लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वैसे ही कुछ लोग लॉकअप का गेट खोल आते हैं बॉडी आर्मर पहने हुए। उसके बाद जॉन उन सब को मारता है और एक गार्ड के गर्दन को पकड़ कर कहता है डोर लॉक कर दो, तब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और एक दूसरा ऑफिसर आता है और उसे फोन देता है बात करने के लिए। तब जॉन फोन लेके बात करता है, तब पता चलता है कैरन ने भेजा है उसे लाने के लिए और फिर जॉन उनके साथ चल देता है गाड़ी में बैठकर और पहुंचता है एक सीक्रेट जगह पर जहां उसे कैरन मिलती है उसका इंतजार करते हुए। और फिर दोनों एक कंटेनर के अंदर जाते हैं जहां उसकी मुलाकात CIA डायरेक्टर रॉबर्ट और सेक्रेटरी क्ले से होती है और फिर वो सब जॉन से पूछते हैं अब बताओ तुम क्या जानते हो। तब जॉन अपने वाइफ के चौथे मर्डरर का नाम बताता है पर वो लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि वो आदमी मर चुका है, पर जॉन कॉन्फिडेंट था कि उसने उसे उस रात देखा है। तब रॉबर्ट जॉन को कुछ फोटो दिखाता है और उसे पहचानने के लिए कहता है, तब जॉन उस आदमी को पहचान लेता है। तब सिक्योरिटी के लिए एक टीम को रशिया भेजने की बात करता है, तब जॉन भी कहता है वो भी जाएगा पर रॉबर्ट और दूसरे मना कर देते हैं। तब जॉन कहता है अगर ये इतना बुरा है तो तुम लोगों को मेरे जैसे बूढ़े लोग की जरूरत पड़ेगी। तब सेक्रेटरी क्ले मान जाता है और परमिशन दे देता है और फिर दिखाया जाता है वो पैसेंजर प्लेन से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ लोग जॉन के टीम में रहते हैं, कैरन भी वहीं रहती है जॉन के साथ जाने के लिए और रॉबर्ट भी वहां दिखाया जाता है। जॉन पूछता है मेरे साथ नहीं चलोगे, तब रॉबर्ट कहता है मैं तुम लोगों से वहीं मिलूंगा और चला जाता है वहां से। उसके बाद प्लेन में जॉन और कैरन को बात करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो लोग प्लेन से कूदने की तैयारी करने लगते हैं। रशियन एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जब वो कूदने जाते हैं वैसे ही रशियन फाइटर जेट आ जाती है और तब वो पीछे हटकर छुप जाते हैं। रशियंस के पूछने पे भी जब जवाब नहीं देते हैं तब वो एक मिसाइल फायर करता है जिससे जॉन सहित वो प्लेन समुन्द्र में गिर जाती है। तब वो लोग जैसे तैसे करके डूबती प्लेन से बाहर आते हैं। जॉन भी पीछे छोटा सामान लेके ऊपर आता है। एक बोट से एक पोर्ट में पहुंचते हैं। रात का समय रहने के कारण उनको कोई नहीं देखता है। उसके बाद वो लोग एक जगह पर हाइड होते हैं और अपना अपना नाम बताते हैं ये सच के कि उन्हें अब मरा हुआ समझा जाएगा। और फिर रॉबर्ट को दिखाया जाता है कि कुछ रशियंस और पैसे के साथ न्यूज देखते रहता है। वैसे ही जॉन अपने साथियों के साथ पहुंचता है। उसके बाद जॉन रॉबर्ट से पूछता है ये सब क्या है। तब रॉबर्ट कहता है कि उसे लगा कि तुम लोग मर चुके हो प्लेन क्रैश में, इसलिए रशियन को पैसे दिया है कि ये वो आदमी को किडनैप कर सके जिसने तुम्हारी वाइफ को मारा है। जॉन थोड़े देर उसे टांगने के बाद नीचे उतार देता है और फिर एक वैन से उन्हें जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी रहता है उसके सामने वाले बिल्डिंग में। उसके बाद जॉन अपनी गन के लेंस से कंफर्म कर रहा होता है कि ये वही है कि नहीं। और फिर रात के समय जॉन और उसकी टीम उस आदमी के बिल्डिंग में घुसे हुए दिखाया जाता है और धीरे धीरे वो के फ्लैट के डोर पे पहुंचते हैं और एंट्री लेते हैं। उसके बाद जॉन को वो आदमी बोल रहा होता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और बोलता है तुम्हारे वाइफ का नाम पैम था ना। और ये सब सुनते ही जॉन आगे बढ़ता है और देखता है उसने अपने आदमियों को मारा हुआ रहता है। और जब जॉन उसके पास पहुंचता है तो देखता है
कि वो बॉम्ब लगा के बैठा हुआ है अपने शरीर पे, और फिर वैसे ही वो आदमी ब्लास्ट करता है अपने आप को। तब जॉन भी पीछे हटने के कारण बच जाता है, और जब ब्लास्ट के बाद उसके टीममेट उठते हैं वैसे ही वहाँ दूसरी बिल्डिंग में छुपे स्नाइपर उन पे गोली चलाने लगते हैं। उनके एक साथी को गोली लग जाती है। उसके बाद जॉन एक मिरर का टुकड़ा उठाकर देखता है स्नाइपर की लोकेशन और गोली चलाता है। उसके बाद उनका एक साथी नीचे देखता है तो पता चलता है कि रशियन पुलिस आई हुई रहती है बिल्डिंग के नीचे, पर स्नाइपर उसे भी गोली मार देता है। तब जाके जॉन और उनके साथियों को समझ में आता है कि उन्हें फंसाया गया है। तब जाके जॉन कैरन के साथ मिलकर रास्ता बनाता है बाहर निकलने का। वैसे में पुलिस फोर्स भी आ चुकी होती है, और दूसरी तरफ कैरन और जॉन सामने वाले बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं और फिर जाते हैं। कैरन स्नाइपर के पास पहुँच कर फाइट करने लगती है, और जॉन भी एक बिल्डिंग के बालकोनी से कूद कर लटकते हुए पहुँचता है, जब तक कैरन उस स्नाइपर को अपने नाइफ से मार चुकी होती है। और फिर वो दोनों अपने घायल टीममेट के साथ ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, पर बिल्डिंग के सामने पुलिस होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तब जॉन कहता है, मैं बिल्डिंग के ऊपर से उन पे फायरिंग करूंगा, तुम सब यहाँ से निकल जाना, पर कैरन नहीं मानती है। इस बात पर जॉन कैरन को मना लेता है और बिल्डिंग के ऊपर जाकर पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगता है। और जब पुलिस वाले फायरिंग पे ध्यान देने लगते हैं, तब कैरन और बाकी सब इसी का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलते हैं अपनी वैन में बैठकर। और दूसरी तरफ पुलिस और आर्मी बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है और जॉन पे फायरिंग करने लगती है, पर जॉन उन्हें मारता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। और फिर जॉन अपने बैग में चेक करता है कि कुछ बॉम्ब परे रहते हैं, और उन पे फायरिंग करते हुए बिल्डिंग के टेरेस पर ग्लास के कवर पर कूद जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर लड़ते हुए अपने बैग के पास पहुंचता है और गन फायरिंग करते हुए नीचे की ओर जाता है, और जो जो सामने आते हैं उनको मार देता है। और फिर एक कोने में बैठकर बॉम्ब फेंक देता है। ब्लास्ट होने के कारण ऊपर वाली छत गिर जाती है और पूरे जगह पर धूल जैसी होने लगती है। इसी का फायदा उठाते हुए जॉन रशियन आर्मी के ड्रेस में बाहर आता है और एक वैन में बैठकर वहां से चल देता है, पर गोली लगने के कारण वो जैसे तैसे अपने सेफ प्लेस पे पहुंचता है। और फिर कैरन आके उसे वहां से ले जाती है और एक जगह पर बैठाती है और कहती है बाकी सब आगे के लिए निकल चुके हैं। और फिर जॉन को लेके एक गाड़ी से किसी पोर्ट पे पहुंचती है। वहां रॉबर्ट बोट लेके खड़ा रहता है। उसी बोट पे जॉन जाता है और देखता है उसके साथी भी वहीं रहते हैं, और फिर वो बोट वहां से चल देती है। उसके बाद जॉन कैरन और रॉबर्ट को बात करते हुए दिखाया जाता है। जॉन भी कह रहा होता है अब वापस जाके जेल में ही रहना होगा। तब इस बात पे रॉबर्ट कहता है जॉन से, नीचे बोट में पैसे पड़े हैं, उसे ले लो क्योंकि तुम इस मिशन में मर चुके हो। तब जॉन कहता है रॉबर्ट से, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। और फिर सेक्रेटरी क्ले को दिखाया जाता है खाते हुए, और फिर उठ कर जाता है जहाँ उसके मुलाकात जॉन से होती है, और जॉन बातों बातों में उससे बुलवा लेता है और कहता है मैंने ये बात कहीं नहीं, और रिपोर्ट में रॉबर्ट ने मेंशन भी नहीं की है कि वो आदमी बॉम्ब लगा कर बैठा हुआ था। तब जॉन सेक्रेटरी क्ले को गले से पकड़ कर बेहोश कर देता है। और फिर दिखाया जाता है जॉन और सेक्रेटरी क्ले गाड़ी में जा रहे होते हैं, और सेक्रेटरी क्ले को होश आता है। तब जॉन सेक्रेटरी क्ले से पूछता है ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि उसने अपने देश को आजाद रखने के लिए ये सब किया है। जब सोवियत यूनियन था तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे और देश मतलब यूएसए तरक्की करता चला गया, और आज हम अपने दिशा भटक चुके हैं। उसके बाद जॉन वो गाड़ी एक नदी में गिरा देता है, और वो गाड़ी नदी के सतह पे पहुंच जाती और गाड़ी में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। और जॉन सेक्रेटरी क्ले से अपनी वाइफ का नाम भी बुलवाता है इसी लालच में कि वो उसके हाथ खोल देगा, और सेक्रेटरी क्ले भी कह देता है, और गाड़ी में पानी पूरा भर जाता है। दोनों को डूबते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद कैरन को जॉन और पैम की लास्ट राइट्स की समारोह में दिखाया जाता है। और ये सब खत्म कर जब कैरन अपनी गाड़ी में आती है, तब हमें पता चलता है कि जॉन जिंदा रहता है और कैरन की गाड़ी में बैठा रहता है। और फिर कैरन उसे स्टेशन पे छोड़ने आती है और उसके नए नाम के साथ नया आईडी भी देती है और चली जाती है। मूवी का द एंड हो जाता है।